नमस्कार दोस्तों मैथियत प्रसाद टेक्निकल न्यूज़ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों रियलमी की सह ब्रांड कंपनी डीजो जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज मेकर ब्रांड है, ये 5 जनवरी को भारतीय मार्केट में एक पॉकेट रेंज सेगमेंट के TWS ईयरबड्स भी लॉन्च कर रही है। इसके अलावा एक न्यू लेटेस्ट और पॉकेट रेंज सेगमेंट की ही फिटनेस स्मार्ट वॉच को भी लॉन्च करने वाली है और इसका नाम कंपनी ने डीजो वॉच आर रखा है। राउंड शेप डायल केस मेटल फिनिशिंग के साथ आती है, जिसके साथ आप लोगों को डिफरेंट कलर के सिलिकॉन के स्ट्रिप कंपनी उपलब्ध करवा रही है और इसकी जो फिनिशिंग है वो एक प्रीमियम लुक डिजाइन की मुझे लगती है और ये फैशनेबल स्मार्ट वॉच के साथ साथ फिटनेस स्मार्ट वॉच रहने वाली है। तो इस वीडियो में इसी के फीचर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसकी क्या कीमत होगी इस बारे में चर्चा कर लेंगे। हालांकि यहां पर क्लियर कर दूं कि इसके लगभग सारे स्पेसिफिकेशन ऑफिशियल तौर पर सामने आ चुके हैं, तो उसी के आधार पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं इस डीजो वॉच आर के कनेक्टिव फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को ब्लूटूथ 5.0 देने वाली है जो आपके एंड्रॉइड और आईओएस स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट होने वाली है। अगर बात करें इस स्मार्ट वॉच के मेन फीचर्स के बारे में, जो इस स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले है, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 1.3 इंच की एक फुल कलर टच डिस्प्ले उपलब्ध करवा रही है। जो यह एक एमोलेड डिस्प्ले है जो वाकई में काफी बेहतरीन है और काफी कम बेजल इस स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले के चारों तरफ आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, जिसका रेजोल्यूशन 364x364 पिक्सल का है। 2.5D कोर ग्लास की फिनिशिंग मिल रही है। इसके अलावा ऑलवेज ऑन जैसा फीचर भी इस स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले पर मिल रहा है और इसके होम पेज को भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे और एक पॉकेट रेंज फिटनेस स्मार्ट वॉच के तौर पर इस स्मार्ट वॉच की जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो वाकई में नेक्स्ट लेवल की रहने वाली है। अगर बात करते हैं इसके और फीचर्स के बारे में, तो इसके बैक साइड पर कंपनी आप लोगों को कुछ सेंसर भी उपलब्ध करवा रही है, जैसे हार्ट रेट मॉनिटर का हो गया, एक्सेलेरोमीटर, पेडोमीटर, जायरोस्कोप, लाइट सेंसर और SPO2 का। हालांकि इसके अंदर आप लोगों को क्लियर कर दूं कि GPS का फीचर कंपनी नहीं दे रही है, लेकिन ये जो सेंसर इसके अंदर मिल रहे हैं उनके जरिए आप 24 घंटे अपने हार्ट रेट को ट्रैक कर पाएंगे, स्लीप मॉनिटरिंग कर पाएंगे, स्टेप काउंट कर पाएंगे, कैलोरी काउंट कर पाएंगे, डिस्टेंस को ट्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा ब्लड ऑक्सीजन लेवल को स्मार्ट वॉच के जरिए ट्रैक कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों हालांकि इसका जो दूसरा सबसे बेहतरीन फीचर है वो है इस स्मार्ट वॉच के स्पोर्ट मोड। इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 150+ स्पोर्ट मोड उपलब्ध करवा रही है, जैसे इंडोर रनिंग, आउटडोर रनिंग, योगा, साइकिलिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, स्विमिंग, मतलब कि आप अपने 2400 घंटे की हरकतों को इस डीजो वॉच आर के जरिए ट्रैक कर पाएंगे और उनका एनालिसिस भी कर पाएंगे। मेरे हिसाब से वाकई में काफी बेहतरीन फिटनेस फीचर इसके अंदर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा दोस्तों ये 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट फीचर से भी लैस है, जिसको 50 मीटर वाटर के नीचे भी खराब नहीं होने देने वाली है और ये स्पोर्ट मैन के लिए वाकई में काफी बेहतरीन फीचर होता है। अगर बात करते हैं इसके और फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आप लोग नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर पाएंगे, जैसे कॉल, SMS, व्हाट्सएप जैसे अन्य ढेर सारे सोशल साइटों का वाइब्रेशन के थ्रू, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को GPS तो मिल ही नहीं रहा। इसके अलावा ब्लूटूथ कॉलिंग जैसा फीचर भी कंपनी ने उपलब्ध करवा रही है। यह एक फिटनेस स्मार्ट वॉच है, लेकिन इसके अंदर आप लोग टाइमर जरूर सेट कर पाएंगे, इवेंट सेट कर पाएंगे, रिमाइंडर सेट कर पाएंगे, फाइंड माई फोन, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और वेदर की लाइव जानकारियां इस डीजो वॉच आर के डिस्प्ले पर ले पाएंगे। मेरे हिसाब से वो सारे फीचर इसके अंदर मिलते हैं जो एक नॉर्मल स्मार्ट वॉच के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस डीजो वॉच आर के बैटरी बैकअप के बारे में, तो यहां पर क्लियर कर दो कि इसके अंदर कितने mAh की बैटरी कंपनी उपलब्ध करवा रही है यह क्लियर नहीं है, लेकिन कंपनी का कहना है कि अगर आप लोग इस स्मार्ट वॉच की बैटरी को एक बार करेंगे फुली चार्ज, तो नॉर्मल यूज पर आप लोगों को 12 डेज का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से काफी लंबा बैटरी बैकअप है। इसके बाद यह निर्भर करेगा आप लोग कैसे स्मार्ट वॉच की बैटरी को उपयोग करते हैं, कितना हार्ट रेट या अन्य नोटिफिकेशन एक्टिवेट करके रखते हैं और चार्जिंग के लिए मैग्नेट पिन कंपनी उपलब्ध करवा रही है। मेरे हिसाब से इसका बैटरी बैकअप तो ठीक ठाक रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग फाइनली बात करें इस डीजो वॉच आर के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो ये 5 जनवरी को फ्लिपकार्ट इंडिया और कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए परचेस करने को उपलब्ध होने वाली है, जहां से आप लोग इसको परचेस कर पाएंगे। अगर बात करें इसकी कीमत के बारे में, तो जो इसके अंदर फीचर मिल रहे हैं उस हिसाब से मेरा अनुमान है कि इसकी कीमत 4000 से लेकर 5000 रुपए के आसपास रहने वाली है। वैसे भी इसके अंदर जो फीचर मिल रहे हैं, फिटनेस फीचर भी काफी बेहतरीन है, काफी ज्यादा है, पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे। इसके अलावा इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी वो भी काफी बेहतरीन है और वैसे इसका जो लुक है वो भी काफी प्रीमियम है। तो अगर आप लोग कोई न्यू लेटेस्ट और ब्रांडेड स्मार्ट वॉच परचेस करना चाहते हैं फैशनेबल या तो फिटनेस लवर्स के तौर पर, तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। फिर भी आप लोगों को दिल में कुछ भी विचार हो, खासकर इसकी कीमत को लेकर, इसकी क्या लॉन्चिंग कीमत होनी चाहिए भारतीय मार्केट में, कुछ भी सवाल हो तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा। मेरे हिसाब से दोस्तों यह रियलमी की सह ब्रांड है डीजो और जो डीजो ब्रांड है वो काफी सस्ते वेयरबल्स लॉन्च करती है भारतीय मार्केट में, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।